राधे राधे गुरु जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्या मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। स्वप्न बहुत आते हैं कृष्ण जी के, वेंकटेश्वर भगवान के, बालाजी के, और आपको आज देखा था तो आंखों पे आंसू आ गए थे, और यही बस पूछना था। अच्छा है ना, आप स्वप्न में भगवान को देखते हैं, अच्छी बात है। कृष्ण जी से प्यार हो गया है। हाँ, भगवान से प्रेम होना ही भक्ति है। भगवान खुद कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसका हो जाता हूँ। आपका कथा बहुत सुनते आया हूँ, अपने सारे मोहल्ले में भी सुनाता हूँ कि क्या बोलते हैं, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध आचार्य जी, और सारे लोग मेरे को बोल देते हैं कि तू बच्चा है, तू जा, तू क्या सुनाएगा। तो मैं बोलता हूँ ये सब करा करो तुम, क्या बोलते हैं, मैं अनिरुद्ध आपका मैं हमेशा कथा सुनता हूँ, स्कूल के जाने के बाद, स्कूल के आने के बाद 10 बजे आपका कथा स्टार्ट होता है वो भी देखता हूँ, और उसके बाद भी आपका कथा चलता है 3 से 5। तो मेरे को आपका कथा बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को आपके भजन कीर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को लगता है कि मैं कृष्ण भगवान पे लीन हो जाऊँ, मेरे को कृष्ण भगवान से प्यार हो गया, बस बहुत बहुत ही प्यार हो गया है, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ लगता है। और आपसे एक सवाल और है, आप मेरे को ना कलयुग के नहीं लगते हो, सत्ययुग के लगते हो, क्योंकि ना कलयुग में भी आप लोग के जैसे लोग आ गए हैं जो सारे जगह ज्ञान बांटते हैं आपके जैसे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और बस यही कहना चाहूँगा। और बस कृष्ण जी से प्यार हो गया और कुछ नहीं करना है, बस कृष्ण जी मेरे हैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे देवता, मेरे कृष्ण जी वही मेरे हैं और कोई नहीं। अब मेरा भाई आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। जी, जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण, आशीर्वाद देते रहिएगा, खुश रहिए। जय श्री हरि। जय श्री हरि। आचार्य जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि जैसे अगर कभी ऐसा हो, जैसे मतलब हम साथ में सो रहे हों और ऐसा कभी लगे कि सपना पे कृष्ण जी हमारे साथ आए हैं और वो भी हमारे साथ विश्राम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? भगवान आपके करीब हैं, निकट हैं, पास हैं जी, ये महसूस करिए कि भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं इसलिए आसपास जी है। जी ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज, आपके चरण